औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, क्राम्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रावलपिंडी मिलिट्री स्टेट्स ऑफिसर हज़ारा सर्कल लैपटॉप एंड अनदर पर्सेस मसमात आयशा बीबी विडो एंड अदर्स, ये केस का टाइटल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सिविल अपील नंबर 1980/2023 से लेकर 2012/2023, ये सिविल अपील का नंबर है। जस्टिस याया फरीदी साहब, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब और जस्टिस मतर अतर मिनल्ला साहब, इन तीन जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ फाइल्ड दीज अपील टू चैलेंज द जजमेंट पास बाय द पेशावर हाई कोर्ट पेशावर वेयर बाय द अपील ऑफ द अपीलेंट अगेंस्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ अ कंपनसेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑफ द प्राइवेट लैंड ऑनर बाय द रेफरी कोर्ट वर डिसमिस्ड। नाज़रीन इकराम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू पेशावर हाई कोर्ट में अपील स्कीम, वहाँ पर चैलेंज किया गया कि प्राइवेट लैंड ऑनर्स को जो रेफरी कोर्ट ने उनका कंपनसेशन रेट है, यानी कि इन्होंने गवर्नमेंट ने सरकार ने प्राइवेट लोगों से ज़मीन एक्वायर की होगी और उनको जो ज़मीन का जो मुआवजा था कंपनसेशन था उसको बढ़ा दिया था, इसके ख़िलाफ़ अपील की पेशावर हाई कोर्ट ने जो कि डिसमिस हो गई। अब गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हुई है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर द कोर्ट कैन इन्हेंस द रेट ऑफ कंपनसेशन बियॉन्ड द अमाउंट क्लेम्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन द रेफरेंस एप्लीकेशन, कि क्या अदालत बतौर कंपनसेशन मुआवजा जो ज़मीन एक्वायर करने का होता है वो ज़्यादा बढ़ा सकती है, दे सकती है जितना क्लेम किया हो, यानी कि जो मालकान हैं या मालिक है ज़मीन का, जिसकी ज़मीन रियासत ने हुकूमत ने ले ली है, गवर्नमेंट ने ले ली है, उसने जितनी रकम के लिए कहा हो, केस फाइल किया हो रेफरी कोर्ट में, क्या कोर्ट उस ज़्यादा रकम भी दे सकती है? तो नाज़रीन, इसका जो जवाब है वो ये है, द कंपनसेशन टू बी अवार्डेड बाय द रेफरी कोर्ट टू द ऑनर्स ऑफ द अक्वायर्ड प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट सो सॉट बाय देम प्रोवाइडेड द कंडीशन प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 and 25 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 आर कंप्लाइड विद एंड इन केसेस वेयर देर इज़ अ फेलियर ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द सेड प्रोविजन then the referee court may proceed to adjudicate the compensation for the acquired property beyond the amount claimed by the landowners in the reference application if the evidence produced by the parties justifies such enhancement in accordance with section 23rd of the land acquisition act। to nazreen, is mein jo baat hai is pe zikr ye kiya gaya hai ki the judicial consciousness is that the compensation to be awarded by the referee court to the owner of the acquired property should not exceed the amount so sought by them। supreme court of pakistan kehti hai ki ye jo adalati soch ye hai ki jitni rakam unhone mangi hai referee court ko us rakam se zyada rakam nahi deni chahiye provided the condition precedent provided under section 9 and 25 of the act and complied with ke जो कंडीशंस हैं जो और यहाँ जो सेक्शन 9 और 25 जो है एक्ट में वो बयान किया गया। ऑन अ जनरल प्लेन इट इज़ बट फंडामेंटल डैट इन द मैटर ऑफ कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड इट इज़ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड विच इज़ ड्यू एंड पेबल टू द लैंड ऑनर। उन्होंने कहना, लेकिन हकीकत ये है कि जब भी कंपनसेशन का मामला होगा कि ज़मीन आपने एक्वायर किया हुकूमत ने उसकी कंपनसेशन का मामला होगा तो ज़मीन की फेयर मार्केट वैल्यू दी जाए, जो उस वक्त मार्केट वैल्यू है
वो अदा की जाए. द रेफरी कोर्ट वाइल हेयरिंग अ रेफरेंस एप्लीकेशन एक्सरसाइज अ स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन टू इंश्योर दैट द लैंड ओनर्स आर कंपनसेटेड विद द ट्रू मार्केट वैल्यू ऑफ देयर लैंड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस ऑन रिकॉर्ड. रेफरी कोर्ट जो है उसने दरख्वास्तों के हवाले से अपनी जो ख़ास उसके अख्तियार हैं लैंड ऑनर्स को कंपनसेशन के जो ट्रू मार्केट वैल्यू देने के हवाले से है उनको एविडेंस की बेस पर जो है वो एविडेंस की बुनियाद पर उसने इस्तेमाल किया है जो कि रिकॉर्ड अदालत के सामने. यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि रेफरी कोर्ट ने जो फैसला दिया है कंपनसेशन जितनी क्लेम की थी उससे ज़्यादा देने का वो एविडेंस की बुनियाद पर और फेयर मार्केट वैल्यू की बुनियाद पर दिया है. इन रेफरेंस एप्लीकेशन द क्लेम फॉर फेयर कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड इज़ मेड बाय द लैंडओनर अगेंस्ट द स्टेट. दरख्वास्तों में जो क्लेम किया गया था कंपनसेशन का कि रियासत ने जो ज़मीन उनकी एक्वायर की है मालकान की तरफ से, इन दिस रिगार्ड वन मस्ट नॉट फॉरगेट दैट स्टेट वील्ड्स यूनिलैटरल पावर अंडर द एक्ट. इस हवाले से ये बात किसी को भूलनी चाहिए कि रियासत अकेली ताकत है इस कानून के तहत टू डिप्राइव लैंड ओनर ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को प्रॉपर्टी के हकूक दिए हुए हैं लेकिन रियासत एक तनहा ऐसी ताकत है जो कि उनको इससे डिप्राइव कर सकती है. देयरफॉर फेयरनेस डिमांड दैट द इंटरेस्ट ऑफ दी दोज अफेक्टेड बाय एमिनेंट डोमेन रिमेन सेंट्रल टू द रेफरी कोर्ट. बस जो रेफरी कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा मामला है वो यही है कि इनके इंटरेस्ट को वाच किया जाए जो कि मुतासरा हैं जिनको लैंड का प्रॉपर पैसे नहीं मिल रहे. द स्टेट इज़ बाउंड टू पे फेयर कंपनसेशन टू द लैंड ओनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एक्वायर्ड एंड टू डिनाई दिस बेनिफिट टू द लैंड ओनर्स वुड बी टेंटमेंट टू परमिटिंग द स्टेट टू एक्वायर द लैंड ऑफ द लैंड ओनर्स ऑन पेमेंट ऑफ लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू. कदर जो कोर्ट है वो उसने तो मार्केट वैल्यू जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो देने की कोशिश करनी है जो रियासत ज़मीन ले रही है प्राइवेट ओनर से. हैंस इट विल नॉट बी अनजस्ट टू होल्ड दैट द रेफरी कोर्ट वाइल डिटर्मिंग द रेट ऑफ कंपनसेशन हैज़ टू कंसिडर. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसलिए ये कोई गलत ना होगा कि रेफरी कोर्ट को कंपनसेशन का जो है वो तयन करते वक्त पहला ये देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है और ख़ास तौर पर दोज डैट प्रोवाइड द लैंड ओनर टू असर्ट देयर ऑब्जेक्शन टू द एक्विजिशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी. और जो प्रॉपर्टी जब उनकी ली गई तो उसके ऊपर जो उन्होंने ऑब्जेक्शन थे उनको देखा जाए एंड द फेयर वैल्यू देयर ऑफ हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड. और जो फेयर वैल्यू बनती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए. एंड इन केसेस वेयर देयर इज़ अ फेलियर ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द सेड प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड इन पर्टिकुलर सेक्शन 9 एंड 25 सुपरा देन द रेफरी कोर्ट मे प्रोसीड टू एडजुडिकेट द कंपनसेशन फॉर द एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बियॉन्ड द अमाउंट क्लेम्ड बाय द लैंड ओनर इन द रेफरेंस एप्लीकेशन. मगर जनाब सेक्शन 9 को और 25 को देखना चाहिए लैंड एक्विजिशन एक्ट को के अदालत को वाइल डिटर्मिंग द कंपनसेशन विच वॉज क्लेम्ड बाई द अफेक्टिव. और वो उससे ज़्यादा भी मामला जो लैंड ओनर्स को फेयर मार्केट में जो उन्होंने ज़्यादा जो पैसे मांगे उससे ज़्यादा की तरफ भी जा सकती है. इफ़ द एविडेंस प्रोड्यूस बाय द पार्टी जस्टिफाइड सच इन्हेंसमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट एज वाज द केस इन प्रेजेंट अपील दस वी फाइंड दैट द ऑब्जेक्शन टू द अवार्ड कंपनसेशन रेज बाई द लर्नर अटॉर्नी जनरल एक्सीडिंग द अमाउंट क्लेम्ड बाई द रिस्पॉन्डेंट लैंड ओनर इन द रेफरेंस एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड लीगल मैरिट. अगर सेक्शन 23 के तहत जो इन्हेंसमेंट की गई है जितनी रकम प्राइवेट मालकान ने मांगी थी उससे ज़्यादा दी गई है तो उसमें अगर कानून को मुकम्मल तौर पर देखा गया और एविडेंस जो प्रोड्यूस किए गए हैं पार्टीज़ की तरफ से वो जस्टिफाई करते हैं तो फिर अटॉर्नी जनरल की तरफ से कंपनसेशन जो जितनी मांगी थी उससे ज़्यादा दिए जाने
पर इतराज़ जो है वो इस काबल नहीं है कि उसे बरकरार रखा जाए। तो ये फैसला प्राइवेट मालकान के हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।